एक बात पूछो? हाँ पूछो। लाओ हाथ दो। ये रहा हाथ दिया। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? हाँ। तो फिर इससे शादी कर लो ना। शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बताऊं। क्या मांगोगी मोदी खाई में? मोदी खाई में मैं इससे 5 लाख मांगूंगी। हैं? 5 लाख? एक काम कर भाई, मुंह रहने ही दे फिर। हाँ सर, आज हमारी स्वागत है, तुम कितनी खुश हो बताओ? आप भी ना बड़े शरारती हैं। मैं शरारती नहीं हूँ। तू क्या देख रहा है हमारी स्वागत में? मैं टिकट लिया हुआ। जब बेइज्जती। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पॉडकास्ट में हल्ला गुल्ला होता है, हंसी मजाक, हम एक दूसरे पे झुकते मारते हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है पॉडकास्ट का, वो बहुत सीरियस है। आज हमारे पास जो कपल है वो वर्ल्ड फेमस कपल है, द वन एंड ओनली 3-2-1 पिल्ले सहर। मुझे बताया कि आप दोनों की लड़ाई क्यों चल रही है फेसबुक पे इतनी ज्यादा? मैं क्लिप्स देख रहा हूँ, आप इन पे गुस्सा हो रही हैं, ये आप पे गुस्सा हो रहा है, ये फड्डा है किस चीज का? भाई इसने मुझे बोला था प्रपोज से पहले मैं तुम्हें आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा। अरे मेरा बच्चा, एक चीज सही जगह लगी हुई है, इसको क्यों तोड़ रही हो तुम? इसको जावेद की निहारी खिलाओ ना। जावेद की निहारी तो यार खिलाता रहता हूँ, और कितना खिलाओ, इसकी जिद हुई भी है, बोली है कि मेरे को चांद तारे तोड़ के लाके दे। इसको बोला ना ये मुझे आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके दे, जब इसने बोला तो लाके देगा तो क्यों नहीं लाके दे रहा? अरे मेरा बच्चा, जिस तरह की इसकी सेहत है अभी तो ये बाजार से दही भी नहीं ला सकता। तुम खर्चा नहीं करते इस पे? खर्चा इतना करता हूँ यकीन कर, इस पे खर्चा कर करके यकीन कर कंगाल हो गए हो, मतलब क्या बताऊँ। अच्छा तुम इतना खर्चा कर चुके हो उस पे? जब इसने मुझे प्रपोज किया था ना तो उसमें बड़ा करंट था यार। करंट था उस, जब इसको मैंने प्रपोज किया था उस जमाने में मेरा करंट बहुत था। अभी तुम महंगाई तो देखो, अभी मेरी खुद PMT फट गई है, यकीन करें मत भाई यार। नहीं सही बात है, करंट कैसे आएगा जब उसका खंभा ही बैठ गया? नहीं मतलब जो गली का खंभा है वो बैठ जाता है और सबकी लाइटें जा रही है यार। लाइटें बहुत जा रही है। कहाँ मिले पहले आप दोनों? सबसे पहले कहाँ मिले? हम लोग मिले निशाने पाकिस्तान में। कहाँ? निशाने पाकिस्तान में। निशाने पाकिस्तान में? हाँ, ये पारा के CBO के पास। अच्छा हाँ। तू क्या कर रहा था CBO के पास? CBO का मैं असल में ना तनवीर भाई के साथ गया था ना। तनवीर भाई के साथ? हाँ। गया था। वो अजाब है ना, मेरे को तनवीर भाई ने अजाब दिया। अच्छा आप किसके साथ आई थी वहाँ पे, क्या कर रही थी? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। अच्छा फैमिली के साथ आई हुई थी, घूमने के लिए, एंजॉय के लिए। ये रिलेशनशिप में आने से पहले इतना मशहूर था या आपके नसीब ने इसको इतना मशहूर किया है? मेरे नसीब ने करा है। देखो भाई है ना, सारा क्रेडिट ले गई। देखो तुम बिल्कुल इस पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, इसके हुकूक नहीं निभा रहे हो। बेटा अगर आपको इससे इतनी शिकायत है तो फिर आप इसको छोड़ दो। नहीं इसको छोड़ कैसे सकते हो, तो मेरी जान है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरे लिए शाहरुख खान का भी रिश्ता आ जाएगा ना, मैं उसको भी ठुकरा दूंगी इसके लिए। हैं? शाहरुख खान का अगर रिश्ता आ जाएगा तो आप इसके लिए शाहरुख खान को भी ठुकरा देंगी? सबको ठुकरा दूंगी। अरे इस बच्ची पर सिपली है भाई, जादू है। जादू? जादू नहीं है, क्या हो गया अहमद भाई यार? जादू हुआ है आप पे किसी ने? कोई दुश्मन है आपका? दुश्मन? कोई गुड़िया बुड़िया मुड़ी आपकी? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं मतलब इतना प्यार क्या देख के प्यार हुआ है? क्या देखा आपने मुझे बताएं? कोई एक ऐसी चीज बताएं कि आप बोले मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आई है, कहीं आपको इसकी शोहरत से प्यार तो नहीं है? मुझे इसका वो पसंद आया ये बोलता ना 3-2-1 पिल्ले, वो पसंद आया मुझे। अच्छा 3-2-1 पिल्ले आपको पसंद आया? तो फिर इससे शादी कर लो ना। शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोले किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बताऊं, भगा के ले जाऊंगा घर वाले, घर वालों को बोल। घर वाले क्या बोले? किसी कुत्ते से कर ले? अच्छा अच्छा आप क्या चाहते हैं? आप मतलब शादी करें और अगर घर वाले ना माने, अल्लाह ना करे, तो क्या आप भगा के ले जाओगे क्या? मैं इसको भगा के ले जाऊंगा घोड़े पे। घोड़े पे? घोड़े पे। गधे पे ले जा ना, तू खुद ही चले जा। नहीं नहीं यार, मेरी तो दुआ है कि आप लोगों की लव स्टोरी बने, आप दोनों की शादी हो, प्यारे प्यारे बच्चे पैदा हो, उन बच्चों की तरबियत करो अच्छे तरीके से। हम तो ये चाहते भाई। बच्चों की तरबियत? बच्चों की तरबियत तो मैं ऐसे करूंगी कि मेरे बच्चे इसको मामू बोलेंगे। मामू क्यों बोलेंगे? मामू नहीं बोलेंगे। नहीं अरे मामू तो लड़की का भाई होता है, ये तो आपकी जान है। अच्छा भाई को बोलते हैं? मुझे नहीं पता। ये तो आपकी जान है,
ये तो आपकी जिंदगी है, लानत है ऐसी जिंदगी पे। अच्छा फर्ज करो तुम्हारे घर वाले मान गए शादी के लिए, तुम्हारे घर वाले जो नहीं मान रहे, तुम्हारे घर वाले अगर मान गए शादी के लिए, तुम लोगों की शादी हो गई, समझ रहे हो, घूंघट उठा रहे हो तुम, घूंघट हाँ, मुंह दिखाई में क्या दोगे, क्या मांगोगी मुंह दिखाई में? मुंह दिखाई में मैं 5 लाख मांगूंगी। हैं? 5 लाख? एक काम कर भाई, मुंह रहने ही दे फिर। हैं? 5 लाख रुपए बहुत है अहमद भाई, मुंह रहने ही दे भाई। मुंह रहने दे? हाँ ना, मुंह देखना ही नहीं है ना, बाद में देख लेंगे। क्या मतलब? मतलब पहले 5 लाख रुपए जमा करेंगे ना, शादी तो बाद में करेंगे ना मुंह दिखाई के लिए। अच्छा, यानी मुंह दिखाई के पैसे नहीं है 5 लाख, तो आप अपनी शादी आके ले जा रहे हो? जी। जब 5 लाख जमा होंगे तब शादी करोगे? तब शादी करेंगे, जाहिर ही है भाई। है? नहीं ना, एक काम करो ना, सिर्फ फर्ज कर लो आपकी सुहागरात है, शादी हो गई, हॉल में खाना वाना खा के सब फारिग हो गए, आप लोग अपने घर आ गए बारात से, मुंह दिखाई भी हो गई, आप आगे मतलब किस तरह सेलिब्रेट करोगे? मतलब यार मैं आपकी रिहर्सल करा रहा हूँ, क्योंकि ये खुशी के दिन आपने देखने आगे। फर्ज करो भाई, आप क्या कहते हैं, दुल्हन बन के बैठी हुई और तू दूल्हा है, अब किस तरह घूंघट उठाएगा, क्या करेगा? ऐसे। हाँ सर, आज हमारी स्वागत है, तुम कितनी खुश हो बताओ। आप भी ना बड़े शरारती हैं। मैं शरारती नहीं हूँ। तू क्या देख रहा है हमारी स्वागत में? मैं टिकट लिया हुआ। मैं तेरे को ऐसा चमार दूंगा, टिकट लिया हुआ इसके काम देख। मतलब मैंने जो ये सीन क्रिएट किया है ना, इसका मैंने टिकट लिया हुआ, मेरे पॉडकास्ट में आया, मैंने इसका टिकट दिया हुआ तुम्हें। ये है ना? कौन कौन से टिकट लेके बैठा हुआ इसके काम देख। नहीं मैं कह रहा हूँ जल्दी शादी कर लो भाई। क्यों? शादी कर लो। आमद आ रही है? नहीं नहीं, शादी कर लो, गर्मियाँ आ रही हैं, नहीं तो ये सड़ा बाम भी नहीं मिलेगा फिर। प्रपोज पहले किसने किया, आपने किया क्या? आपने किया? अवेज ने। तुमने प्रपोज किया? प्रपोज मैंने नहीं किया, प्रपोज इसने किया, पूछ लो। तुमने किया, झूठ नहीं बोला। देख लो, चलो मैंने किया बस। अच्छा क्या बोला? इसने प्रपोज किस तरह करा? डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया? डायरेक्ट आई लव यू। मैंने कहा मिल गई तो लाल है, वरना वही फकीर वाला हाल है। मिल गई तो लाल है? हाँ, वरना वही फकीर वाला हाल है। आपका ये पहला लव है? हाँ मेरा पहला लव है। आखिरी है? पहला और आखिरी है। पहला और आखिरी है? शादी भी बहुत जल्द करोगे आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। बहुत जल्दी कमा तो ये बहुत अच्छा रहा है, मनुष्य बता नहीं रहा। अबे हम कोई इनकम टैक्स वाले, हमें तो बता दे हाँ? कितना महीना कमा रहा है, मुझे सबसे बता दे महीना। रुक जा सुन, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये सारे यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं अभी, 5 लाख, 6, 7, बगैर 7 तो मेरे मुश्किल से होते हैं, 8 नहीं, 9, 50,000। 50,000 तूने नहीं बोले, 50,000 लाख से आया ना बेटा। मैं तुझे एक सच बात बताऊं, टिकटॉक लाइव पे जो तूने अन्नी वारी भी है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि तुझे कितने शेर पढ़ रहे हैं, कितने दिल पढ़ रहे हैं, कितने फूल पढ़ रहे हैं। मैं ये तुमसे अपने पैसे छुपा रहा है, ये तकरीबन कुछ नहीं 3 लाख महीना कमा रहा है। आप गिफ्ट मांगती हैं इससे? गिफ्ट? हाँ गिफ्ट देता है मुझे। शॉपिंग कराता है? अभी ईद पे शॉपिंग कराई थी इसने? कराई थी। बकरा ईद पे कराई थी शॉपिंग? बकरा ईद पे अभी बकरा बकरा लेके देगा। अच्छा पिल्ले, जब तूने शहर को पहली दफा देखा तो तेरे दिल में गिटार बजी थी? मेरा दिल, ओए होए क्या बताऊं हेमंत भाई, ओए होए होए तेरी है ना, एंजॉय में घूम रहा था, एंजॉय में घूम रहा था, फुल वीआईपी। अच्छा मतलब तेरे दिल में गिटार बज रही थी? अरे वीआईपी यकीन का, मैं फुल आसमानों पे घूम रहा था, है ना, सब गार्डन गार्डन लग रहा था, गार्डन है पूरा, वीआईपी माहौल हुआ था, वीआईपी माहौल हुआ था। हां अच्छा शहर, जब आपने इसको देखा तो आपको क्या फीलिंग्स आई थी? मैं तो इसको पहली बार जब मैंने देखा था ना, मैं तब पागल हो गई थी। अरे भाई मेरी चीख निकल गई थी, है ना, आप तो फिर पागल हुई है इसका हुसन देख के। तो है क्या हुआ? नहीं, है? नहीं अच्छा है। हाँ। मैं आप पागल हो गई, मैंने कुछ बोला तो मेरी चीख निकल गई, तो फिर आपको पागल हो गई मतलब प्यार में पागल हो गई, तुम गलत तरीके से समझ रहे हो ना यार, प्यार में पागल। हाँ। है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि देखो शादी से पहले सारी बातें कर लेना, कि खर्चा कितना देगा ये महीने पे, कितना खर्चा दोगे भाई आप इसको महीने पे? तुम अभी से इसको ट्रेन करवा रहे हो यार, छोड़ो यार, ये करवा रहा मैं, अबे औरतों के हुकूक के लिए लड़ रहा हूँ मैं। कितना पैसा मुझे बताओ तुम्हारा महीना, कितना बताओ, कितना खर्चा चाहिए एज ए बेगम तुम्हें? ये तो मुझे अभी आम दिनों में ही 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख की शर्टें पहनाता है। तो 1.5-1.5-2 लाख की शर्टें तुम्हें पहनाता है? जाहिर है। टोपी तो नहीं पहनाता? टोपी नहीं पहनाता, शर्टें पहनाता हूँ, महंगी महंगी चीजें।
समझ गए। हाँ अच्छा, अभी से जो है क्या कहते हैं सारा खर्चा आपका ये अभी से उठा रहा है। हाँ, ये अभी से उठा रहा है। फियोंसी आपका ये सारा खर्चा उठा रहा है। हाँ ये देखो पिल्ले जो है अपनी फियोंसी का खर्चा अभी से उठा रहा है शादी से पहले। मैं उन लड़कियों के फियोंसी से सवाल करता हूँ कि जाओ पकड़ो अपने मर्दों को कि हमारा खर्चा उठाएं, और बोले कि अभी तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अभी तुम्हारी हमारी शादी नहीं हुई, तो उनको दिखाओ पिल्ले का कपल कि हाँ। पिल्ले अपनी फियोंसी का खर्चा उठा रहा है। खर्चा उठा है ना, बिल्कुल। और क्या क्या उठा रहा है? मैं हाँ? मैं इसका खर्चा उठा रहा हूँ, हर चीज उठा रहा हूँ, मतलब खाने पीने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पीने का खर्चा, पीने का खर्चा, हर चीज का खर्चा, पॉलर का खर्चा भी उठा रहा है, सब खर्चा। यार मैं तो आप दोनों के लिए दुआ करता हूँ भाई, मेरी तो दुआ है आप दोनों खुश रहो। और आप दोनों की मैंने एक वीडियो देखी बड़ी वायरल चल रही है, वो अवेश तुम मेरे बच्चे के पापा बनोगे वाली वीडियो है ना। हाँ। ओ यार कितने 50 मिलियन व्यूज है उसपे। हाँ। 50 मिलियन व्यूज है उसपे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक दफा करके दिखा दो वो वीडियो, करके दिखा, आवाम को पता तो चले कि 50 मिलियन व्यूज है किस पे। चले करके दिखा से। मैं म्यूजिक चला रहा हूँ पीछे, ठीक है? अपना म्यूजिक एक बात पूछूं? हाँ पूछो। लाओ हाथ दो। ये लो हाथ दिया। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? हाँ। कैसा था? अरे 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 इसको क्या हो गया? चल तेरा कोई नहीं, चल तेरा कोई नहीं। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है, ये खुशी से मैं जज्बाती हो गया। मतलब यार अवेश मैंने इतने अच्छे लड़के देखे हैं जो जिम में बॉडी बना रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, उनको बोलो बॉडी बॉडी बनाना छोड़ दो, पान खाना शुरू कर दो। लड़की पान खाना शुरू कर दो। हाँ पान खाना शुरू कर दे, ये जिम मर मिम करके कोई फायदा नहीं है बॉडी मॉडी बनाने का, है ना। हाँ। पान खा के 3-2-1 पिल्ले कर, पिल्ले कर दे। हाँ अच्छा, इसने मेरे से एक वादा किया है, शादी से पहले ना ये पान खाना छोड़ देगा, गुटके खाना छोड़ देगा, मावा खाना छोड़ देगा, शेक पिएगा, दूध पिएगा। अच्छा, और मैं इसको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर ऐसे बेगम तुम्हारी ये कह रही है कि तुम पान खाना छोड़ दो, तुम मावा खाना छोड़ दो, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ देंगे इंशाल्लाह से, क्यों नहीं छोड़ेंगे। हैं कितना टाइम है शादी में? शादी में शादी एक तो बच्चों के बाद करोगे, कब करोगे इंशाल्लाह? नहीं मैं सोच रहा हूँ बच्चे पहले लाऊं, शादी बाद में करूं। मेरा मतलब नहीं समझ रहे, किसी और के बच्चे लेके पाल ले, किसी और के बच्चे मतलब लिए पाले बच्चों का, देखते क्या खर्चा है क्या नहीं। क्यों उसके बाद के लेके क्यों? नहीं वो अभी वैसे मैं अहमद भाई को बोल रहा था। हाँ बेगर वैसे शादी में है 3-4 महीने इंशाल्लाह से। 3-4 महीने बाद शादी है? शादी है भाई। ओह भैया 3-4 महीने रह गए शादी में, अगर ये जिंदा रहा तो। जिंदा क्या रहेगा, जिंदा तो रहूंगा। सेहत पे तेरी काम होगा उस्ताद। नहीं टेंशन नहीं लो। देखो ये एक दफा अस्पताल में ना इसने एक बोतल खून दिया, बेहोश हो गया 3 घंटे, 8 बोतल लगाई तो ये उठा है, और उठते ही कह रहा और खून चाहिए तो बताओ। सेहत मैं कह रहा हूँ ना, सेहत बनानी चाहिए। हकीम वकीम ओके मामला, बुखार बुखार तो नहीं होता मतलब बीला वजह चक्कर खा के गिर तो नहीं आता। अल्लाह जी करे है ना। क्या कर सकता है हमारी भाभी के लिए, क्या कर सकता है बता? 4 गुंडे आ गए, 4 गुंडों से अकेला लड़ लेगा भाभी के लिए? जाहिर है लड़ लेगा या अकेला? हाँ लड़ लेगा। है कभी लड़ा? नहीं कभी लड़ा तो नहीं। तो फिर ये आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हैं? किसको पता है ना है? बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसको पता है हड्डियाँ चुबा देगा अपनी, है ना? नहीं उनको पता है, इसको पता है कि मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगा, 4 से लड़ जाऊंगा, खुद को पिटवा लूंगा, इसको बचा लूंगा। तो मैं मार दूंगा, 4 भी आएंगे ना तो मैं पिटूंगा नहीं, मैं मारूंगा जाहिरी। हाँ तू अबे बोल, मैं लड़ूंगा, लड़ूंगा भाई, मैं इसके प्यार के लिए लड़ूंगा, लड़ूंगा सीधी बात है, है ना, लड़ूंगा सीधी बात, चारों को मारूंगा, 5-5 गोलियां खा के लड़ूंगा, 5-5 गोलियां पेनाडोल की, हाँ ब्रूफेन की, ब्रूफेन की पेनाडोल की। हाँ आपने इसके लिए बहुत सारी टिकटॉक भी बनाई, मैंने देखी है, पुष्पा वाली भी बनाई थी, वो कौन सी टिकटॉक थी? और उसके व्यूज हैं, मैंने जो अभी इसने मुझे दिखाए हैं तकरीबन 30 मिलियन 30 मिलियन 30 मिलियन व्यूज किस वीडियो पे हैं हमें भी तो पता चले, भाई करके दिखाएं, बोल के दिखाऊं। हाँ एज इट इज समझे, टिकटॉक बन रही है सामने। पुष्पा, पुष्पा नाम है मेरा, मैं झुकेगा नहीं साला। तेरे तो अच्छे भी झुकेंगे। हाँ इस मर्द होता है ना वो औरत को झुकाता है। हाँ अच्छा, जो नेक मर्द होता है ना वो औरत से हमेशा डर के रहता है, डर के रहता है, जो अच्छे मियां होते हैं जैसे मैं हूं, जैसे अभी तो बड़ा मियां है। मैं कह रहा हूँ
आपने वाइफ को इज्जत देनी है। बिल्कुल, इतनी इज्जत दूंगा इंशाल्लाह से ये। अच्छा हाँ। यानी आप इज्जत करोगे? इज्जत करूंगा। औरत की इज्जत करनी भी चाहिए भाई। बिल्कुल। हर साल इज्जत करोगे? हर साल इज्जत करूंगा। किसी साल गैप नहीं लोगे? नहीं लूंगा बेटा, थोड़ा गैप भी ले लो, क्योंकि आप लोग को नहीं पता बच्चे दो ही अच्छे। हिम्मत भाई, अगर वो दो बच्चे अच्छे नहीं निकले ना, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं 15-20 बच्चे कर जाऊंगा। ओ पागल के बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ, ये 15-20 बच्चे वाली सेहत है ये। तो 15-20 क्या, माशाल्लाह से एक टीम बना लूंगा, बड़ी बात नहीं कर रहा। तो मैं तुम्हारी सेहत में बताऊँ, अभी तुम्हें सेहत बनानी है, तुम रोजाना एक केला खाना नहीं है, शेक बना के पीना है। अच्छा। गंदी सोच। शेक बना के पीना है, क्योंकि खाओगे तो आप एक केला खा लोगे, दो खा लोगे, शेक भी होता है आदमी 12-12 केले शेक बना के पिया। इसको जिम ज्वाइन करवाओ। जिम? ओके। हाँ। नहीं, जिम घर पे ही बनाऊंगा। घर पे? हाँ, मैं और मेरी बीवी साथ करेंगे जिम। साथ जिम करोगे? हैं? मैं क्या करूंगी जिम करने? नहीं, भाभी तो माशाल्लाह फिट है, भाभी को जरूरत नहीं है। नहीं, मैं करूंगा ना, मेरी हेल्प करवाएगी ना, कोई चीज नहीं उठ रही उठवाएगी। मैं उठाऊंगी तो तू क्या करेगा फिर? नहीं, जो नहीं, नहीं जो नहीं उठ रही हो तुम, आप उठा लोगी इसको? नहीं, मैं नहीं उठा सकती। देखना शादी के बाद, देखना ना, शादी के बाद देखना, कहीं बेडशीट चेंज करते वक्त तुम बेडशीट तुमने ये हिला, यही उठ के पंखे पे लग जाए, हल्का बहुत है। हाँ, हल्का बहुत है, लेकिन ये नहीं सेट हो जाएगा शादी से पहले, सही कर। अच्छा अभी बताओ, अभी तुम इससे डरती हो, ये तुमसे डरता है? मैं इससे डरूंगी? इसको मैं अभी 2 मिनट में सीधा कर दूंगी। अबे ओ इंसान की बच्ची बन, तेरे को पता भी है मैं पिल्ले हूँ। अबे तू सारी दुनिया के सामने पिल्ला है, 3-2-1 पिल्ला, बदमाश। ये मेरे से डरती है, बहुत डरती है। मैं इससे नहीं डर सकती, ये मेरे से डरता है। ये आपसे डरता है? अबे मैं क्यों डरूंगा, मेरे से दुनिया डरती है, मैं इससे डरूंगा। अच्छा, ये आपके घर वालों की इज्जत करता है? हाँ, इज्जत तो करता है। आप भी इसके घर वालों की इज्जत करती हो? मैं भी करती हूँ। अच्छा भाई, मैं तो यही चाहता हूँ आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करें और आप दोनों शादी करो इंशाल्लाह, मिसाल कायम करो इंशाल्लाह, मोहब्बत की मिसाल कायम करो। और पिल्ले आपका मुजस्मा बने, पत्थर मारे लोग। क्यों? उसको जो आपका मुजस्मा तोड़े उसको मारे पत्थर। हाँ, और मैं ये कहता हूँ भाई, ये दोनों शादी करें, इनकी लव मैरिज हो रही है बहुत छोटी उम्र में। यार पिल्ले, तेरी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 19 साल। 19 साल? हाँ। इंसान का बच्चा बन। क्यों 19 साल? तो 19 कितने साल का? ये यही बोलता है, 19-20 साल का। आप कितने साल की हो? 22। अबे आना यार, ये पहली लड़की है इसने सही उम्र बता दी अपनी, 22। अच्छा, आप मुझे 22 की नहीं लग रही थी, आप मुझे लग रही थी 19 की, और ये मुझे लग रहा था 1900 का, सन 1900 है ना। तो भाई देखो, मेरी आपके साथ दुआएं कि आप लोग खुश रहो, पॉडकास्ट खत्म होने का वक्त हुआ जाता है, और बस इन दोनों के लिए दुआ करें, समझ रहे हैं? अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।